नमस्ते फुंकाहम जो तो नो 23 तारीख का हम आज हम लोग ये असम मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में आज न्यू पॉलिटिकल एडवाइजर हिसाब से ये प्रेस मीट में करना जा रही हूँ। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा हुआ भारतीय जनता पार्टी में मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट जब से मैंने ये पार्टी में ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन करने के बाद 13 डेज में आफ्टर 13 डेज पार्टी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया और लास्ट असेंबली इलेक्शन में मुझे कॉन्टेस्ट करने के लिए भी मेरा पार्टी बीजेपी की तरफ से 41 ओमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट करने के लिए मुझे टिकट दिया गया और मैंने कॉन्टेस्ट भी किया। तो यहां से मैं शुरू करूंगी आज का मूल मुद्दा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग है और एजेंडा है, इशू है, ये पॉलिटिकल सिनेरियो त्रिपुरा और पॉलिटिकल सिनेरियो माय ओपिनियन। तो ये बोथ साइड में मैं कंबाइन करके बोलने के लिए आप लोगों को शुरू से आज तक का जो रियल जो पॉलिटिकल सिनेरियो इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो जब मैंने कॉन्टेस्ट किया तब बीजेपी का साथ जो अलाइन पार्टनर आईपीएफटी का कैंडिडेट के हिसाब से वहां पे कॉन्टेस्ट किया। आईपीएफटी का साथ बीजेपी अलाइंस है, फिर भी आईपीएफटी को भी अलाइंस पार्टी का तरफ से इसको कॉन्टेस्ट करने दिया, कोई पार्टी का तरफ से, कोई गवर्नमेंट का तरफ से, ना दिल्ली का तरफ से ना स्टेट का तरफ से, अलाइंस पार्टनर एक ही जगह में दो कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं, इसका कोई पार्टी एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी बात हुआ जो मेन ऑपोजिशन पार्टी तब रूल किया था त्रिप्रामो था, लीडिंग बाय प्रदुत किशोर, एमडीसी प्रदुत किशोर मणिको जी, उन्होंने फॉल बीजेपी का अगेंस्ट का हिसाब से, अपर साइड अगेंस्ट का हिसाब से उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन इंटरनली बहुत खुश है वो, अभी नहीं कहेंगी बाद में और भी कहेंगी एजेंडा जाते जाते। तो ऐसा करके मुझे हराया गया। इसके बाद हारने के बाद भी सेंट्रल बीजेपी जो अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हम लोग का आसाम का सीएम, नॉर्थ ईस्ट का चेयरमैन हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये लोग सब मिलकर मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक देकर टीआरपीसी का चेयरमैन बनाया गया 10 मार्च 2023। तब से मैं टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से भी मैंने काम किया और पार्टी का एज ए वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब भी काम किया। लेकिन ये 10 मार्च की बात जो अनाउंस किया, मैं एक प्रूफ देना चाहती हूँ। संबित पात्र जी ने मुझे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक देकर चेयरमैन बनाकर जो आया, इसका एक वीडियो क्लिप आप लोग को देखना चाहती हूँ। आती है जाती है, लेकिन ये सब लेकर एक भी नहीं बैठता। और जितना भी प्रभारी हिसाब से गया, प्रभारी लोग भी ये सब लेकर कभी भी सेंट्रल के साथ, बीजेपी स्टेट ऑफिस बेरर्स के साथ बैठ के ये सब डिस्कशन नहीं हुआ। तो ऐसा करके सब जगह में मुझे इग्नोर करते 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 ये लोग कुछ जगह में मुझे एंट्री होने नहीं दिया। तो मैं क्या करूं, मेरा पूरा टीम के भी छोड़ दिया, सबको साइड कर दिया और मुझे भी इग्नोर करके रखा, मैं क्या करूं। इसके बाद मैं मेरा टीआरपीसी का जो चेयरमैन के हिसाब से मैं टीआरपीसी को चलाते रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जितना भी मैं टीआरपीसी का फाइल को बेचता हूँ, टीआरपीसी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का फुल डिपार्टमेंट भी नहीं है, मुझे एमओएस रैंक दिया गया वहां पे काम करने के लिए। तो मैं जो भी टीआरपीसी का डेवलपमेंट के लिए कुछ भी फाइल कैबिनेट में बेचता हो, सीएम का पास बेचता हो, सीएम और दोबारा वह फाइल वापस नहीं देता। एक एक फाइल को 3-4 बार रिमाइंड लेटर देना पड़ती हो, इसके बाद भी फाइल वापस नहीं आता, तो कैसा डेवलपमेंट किया जाए, कैसा डेवलपमेंट होगा। और मेरा खुद का डिपार्टमेंट, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया में एग्जाम्पल नहीं है। खुद का डिपार्टमेंट को मैंने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए 4-5 बार मेरे अपील किया। घोटाला हो रहा है देश में, दुनिया में, राज्यों में, ये घोटाला। मोदी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना किसी को खाने देंगी, लेकिन यहाँ पे जो घोटाला मैं देख रही हूँ इसको ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए मैंने सीएम को लिखा है मेरा डिपार्टमेंट का हिसाब से, लेकिन वो फाइल अभी भी पेंडिंग है। 3 टाइम रिमाइंड लेटर किया, नहीं दिया। क्यों, कहा डरती है, क्यों कमजोरी है।
और जो भी प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट और स्कीम और फंड अलाउंस डिपार्टमेंट के लिए जो व्यवस्था है सब पेंडिंग है। अगर सीएम के पास कुछ भी जाते तो पेंडिंग। सीएम को मैं बार बार रिक्वेस्ट किया था मीटिंग बैठने के लिए, वो कह रही है पाताल जी अभी नहीं है, थोड़ा समय दो, थोड़ा समय समय मांगते 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 पूरा 1 ईयर नहीं, अभी 20 मंथ हो गया। मैंने 10 तारीख मार्च में बैठा, मतलब आज का दिन में 20 मंथ रनिंग। और भी आश्रित आप लोग लगेगा, देश को ये सुनना चाहिए, ये इंडिया में आज तक मैंने कभी नहीं सुना नहीं देखा। आप लोगों को अगर देखा तो मुझे बोलिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पोजीशन लेकर जो बैठा है वो बिना ऑनरियम में 20 महीना तक अपना रोल अपना काम करना वाला कोई सुना है? अभी तक मेरा ऑनरियम तक नहीं हुआ। मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया लेकिन कैबिनेट में कहा मिनिस्टर ऑफ स्टेट त्रिपुरा में कोई ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं है तो कैंसिल करो, मुझे क्यों बना कर रखा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जो आप लोग अभी इसलिए देख रही हो, संबित पत्र दी जाकर वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक करके चला आया, और ये क्या नाटक है, क्या नौटंकी है, क्या ये ड्रामा है क्या? तो अभी तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हाँ गवर्नमेंट का ये पॉइंट देखो, पढ़ के देखो, आप लोग देखो नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाऊंगा। द गवर्नर इन प्लेस टू अपॉइंट श्री पाताल कन्या जमातिया एस चेयरपर्सन त्रिपुरा रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट शी टेक ओवर द चार्ज। देखो गवर्नर 10 तारीख मार्च, और अभी तो कुछ भी ऑनरियम भी नहीं, ऑनरियम का तो मुझे बड़ा बात नहीं लगती हूँ, लगती हूँ जो भी फाइल में काम कर रही हूँ बिना ऑनरियम में। मैंने तो आप लोग सब जानते हैं मैं टीपीएफ जो काम किया, सुप्रीम कोर्ट में 3-3 केस किया, इतना 13 साल मैंने काम किया, कोई पैसा लेकर इनकम करके किया? मैं इनकम करने के लिए पार्टी में नहीं आया, पार्टी में आया कोर इशोर, जो कोर इशोर देश को बॉर्डर सिक्योरिटी सिक्योर करना, देश को सुरक्षा करना, और त्रिपुरा 3 दिक बाउंड्री बांग्लादेश, और बांग्लादेश घुस बीटिया वहां पे मेजोरिटी बन गया, वो हम लोग का सर्वाइवल एग्जिस्टेंस का खतरा है। तो ये इशू को देखकर मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया, एनआरसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। तो मैं पैसा कमाई करने के लिए नहीं आया, तो मुझे ऑनरियम नहीं देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20 मंथ एक पैसा एक सिंगल भी ऑनरियम नहीं रहा, फिर भी मैंने काम कर रही है, क्योंकि मैं आगे भी तो मैंने 13 साल मैंने सोशल सर्विस में काम किया बिना ऑनरियम में अनाउंस किया। तब से मैंने टीआरपीसी को मेरा दायित्व निभाना का शुरू किया, और टीआरपीसी जो पिछले जितना भी 1983 से टीआरपीसी गठन हुआ था, और मैं जाने के बाद टीआरपीसी को इतना रिवोल्यूशन लेके आया, इतना डेवलपमेंट लेके आया, इतना जनता का साथ जोड़ के, जो रावर प्लांटेशन का जो यहाँ पर जो काम होता है इसको बहुत स्पीडली हम लोग लेके जा रही है। लेकिन हमने देखा इन पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन बोथ साइड में हर टाइम मेरा खिलाफ कोई ना कोई किसी ना किसी लगती रहती है, और पार्टी में ऐसा सिचुएशन हो गया, पार्टी में ऐसा सिचुएशन देख रही है, जब भी पार्टी का कोई डिसीजन होता है, पार्टी का एनी फॉर्मेशन मैटर, इलेक्शन कैंपेन मैटर, इलेक्शन का कैंडिडेट सिलेक्शन मैटर, और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली से अगर स्टेट में जाते तब इसको वेलकम करना, इसका साथ मिलना, विजिट करना, मीटिंग बैठना, सब मैटर में मुझे इग्नोर किया जाता है और मुझे डिप्राइव किया जाता है, पार्शियलिटी किया जाता है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का जो ऑफिस बियरर्स, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस बियरर्स एनी डिस्कशन एनी मैटर में मुझे शामिल होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है। और कभी कभी मैं खुद अपना मर्जी से अगर सेंट्रल कोई टीम जाते, अगर खुद में मिलते तो स्टेट प्रेसिडेंट और सीएम का ऑब्जेक्शन है। इसी तरह फॉर एन एग्जाम्पल, जब ए के मिश्रा त्रिपुरा में विजिट करने के लिए गया, तब एक दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट से मुझे बोला गया उनसे मिलने के लिए, लेकिन जब मैंने मिलने गया मुझे ऑब्जेक्शन किया गया मत जाओ, फिर भी मैंने गया, पार्टी का खिलाफ इलुक सुस रही है। तो मैं बीजेपी में आकर ज्वाइन किए इसलिए मोदी का जो विजन है, मिशन है, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी कोर इशू इलीगल इंट्रोडक्ट के खिलाफ में देश को सुरक्षा निरापत्ता करने के लिए जो मोदी जी ने कमिटमेंट देकर 2014 का आगे गवर्नमेंट बैठा है ए इंडिया मोशन में, दिल्ली मोशन में, ये कोर इशू को सपोर्ट करने के लिए, कोर इशू को मैं भी सहयोगिता करने के लिए, मैं भी एज ए भारतीय नागरिक, एज ए नागरिक मेरा भी ड्यूटी बनती है, फर्ज बनती है
देश का सुरक्षा निरापत्ता में शामिल होना, ये सब प्रिंसिपल को देखकर मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पे एंट्री होने के बाद देखा जो देश का जो पार्टी का जो जितना भी मैन ऑफिशियल डिस्कशन में मुझे नेग्लेक्ट किया गया, और ये मैटर को मैंने सेंट्रल बॉडी को बोलने के लिए कोशिश किया, लेकिन सेंट्रल बॉडी भी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और इसी तरह टू इयर्स अभी 3 इयर्स रनिंग हो रहा है पार्टी एंट्री हुआ, इसी तरह हमने जेल रहा है। और इडनिंग मैंने जो देखा इसमें शॉर्टली मैं हाईलाइट करूंगी। जब मेरा पार्टी में पूरा एनजीओ में एक टीम बड़ा सारा त्रिपुरा का टीपीएफ का नाम से एनजीओ का टीम है, आप लोग सब पता है। और टीपीएफ का नाम से सुप्रीम कोर्ट में तीन केस है, एक एनआरसी का केस, एक सीएए का केस, एक पीएए का केस। ये तीन केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ते लड़ते हम लोग 2014 से आज तक कंटिन्यू है। तो ये टीपीएफ एक एनजीओ पार्टी बीजेपी में ज्वाइन किया फुल्ली इन पॉलिटिकली बीजेपी वेयर और एनजीओ हिसाब से टीपीएफ। तो आने की बात आपका 3 मंथ बीजेपी जनजाति मोर्चा यहाँ पे हम लोग सेंट्रल कमिटी गठन किया, और गठन करने के बाद जितना भी मेरा टीम पूरा सारा त्रिपुरा का टीम जो ज्वाइन किया इन लोगों को कमिटी में बैठाया। लेकिन अचानक करके 1 ईयर की बात जितना भी मेरा साथ जो टीम आया था इन लोग को सबको हटाकर यूथ का वाइस प्रेसिडेंट, जनजाति का वाइस प्रेसिडेंट, जितना भी मैन पुश सेंट्रल बॉडी में इनको सबको हटाया दिया। और जो मरा हुआ डेड बॉडी इनका नाम इंक्लूड किया गया। तो ऐसा इसी तरह बीजेपी पार्टी ये टीपा स्टेट में बीस श्रृंखल का नीति से चल रहा है। तो इसको मैंने सेंट्रल को भी शेयर किया था, त्रिपुरा को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्गली गाइड किया सके, लेकिन सेंट्रल अभी तो कुछ नहीं किया। इसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्शन किया था इसको रिफॉर्म करने के लिए। जो मर्दा हुआ इसका नाम है और जो जिंदा है उसका नाम नहीं है। तो ये पार्टी क्या जिंदा है? तो मैंने सेंट्रल को इन्फॉर्मेशन करने के बाद भी सेंट्रल ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो आज जो बीजेपी सेंट्रल बॉडी यहाँ पे बैठ रही हो, यहाँ पे सेंट्रल अमित शाह जी, जो मोदी जी ने यहाँ पे बैठ के सारा त्रिपुरा और सारा कंट्री को जो बैठ रही हो, त्रिपुरा का एग्जाम्पल देकर मुझे ऐसा लग रही हो जो सेंट्रल यहाँ पे अमित शाह जी मोदी जी को हम लोग देकर आ रही हो, ये लोग आज धृतराष्ट्र का रोल कर रही है, अंधराजा ब्लाइंड रूलर। तो इसलिए आज हम लोग और भी फेसिंग हो रहा है, जो पार्टी ने जो जितना भी यहाँ पे पार्शलिटी किया जा रही है, लेकिन पार्टी का कोई यहाँ पे एक्शन नहीं है। और अभी हम लोग आजकल जो सिचुएशन में जितना भी मेरा पार्टी टीम में पॉलिटिकल में ज्वाइन हुआ, इन लोग को सबको हटा कर बैठा के रखा, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई पार्टी एक्टिविटीज है, कुछ भी जगह में नहीं। ऑफिस बीआरएस के हिसाब से एज ए वाइस प्रेसिडेंट मुझे इग्नोर किया गया, मेरा पूरा टीम की इग्नोर किया गया। और जो पिछले इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन में भी मेरा एक ओपिनियन है, आसना करके प्रोदुत का बहन जी कृति सिंह को लेके या छत्तीसगढ़ से, जो जिन्होंने कोई एसटी सर्टिफिकेट ही नहीं है, ना एसटी कैटेगरी है, कोई राजा का रॉयल फैमिली इन इंडिया एनी रॉयल फैमिली एसटी सर्टिफिकेट है, एसटी कैटेगरी है, लेकिन त्रिपुरा में है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लास्ट इलेक्शन में, छत्तीसगढ़ का लास्ट असेंबली इलेक्शन में जो कृति सिंह वहां पे कैंडिडेट खड़ा हुआ जनरल कैटेगरी में, इनको उठा के लेके गए त्रिपुरा में एसटी सीट, इस त्रिपुरा ST1 रिजर्वेशन में इनको बैठा दिया एसटी कैंडिडेट हिसाब से। ये कौन सा कहां का रूल है? और इसी तरह एसटी का राइट्स को डिप्राइव किया जाता है कैसे? तो अब मैंने ऑब्जेक्शन किया है पार्टी एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ये जनजाति का सेंटिमेंट को नेग्लेक्ट किया गया। एक है ओनली त्रिपुरा का एसटी सीट रिजर्वेशन, इसमें प्रदूत का दीदी कब से सर्टिफिकेट किया, एसटी सर्टिफिकेट किसने दिया, देखा पाएंगी नहीं पाएंगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो फॉल्स, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर कंटेस्ट किया। तो इतना जनजाति लोग अपना पार्टी का साथ जुड़ा है, अपना पार्टी के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है, इन लोग का कोई ऑनर नहीं है पार्टी में क्या? जिन लोगों का जो गाड़ी है, बारी है, पैसा है, बंगला है, इनके लिए पार्टी है? तो पार्टी क्या आइडियोलॉजी से वोट बैंक को सेक्रीफाइस कर दिया?
बीजेपी पार्टी अपना कोर इशू से छोड़ के अभी वोट बैंक पॉलिटिक्स में सेक्रीफाइस कर रही है। वो टीपरा बीजेपी का चेहरा है। मैं सारा इंडिया का बात नहीं कह रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसको बात मैं कह रही हूँ। तो ये इसी तरह त्रिपुरा का बीजेपी जो रूल कर रही है, ये पूरा बीजेपी पार्टी का कोर इशू का खिलाफ है। तो अब मैंने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद क्या हुआ, प्रतुत ने फील्ड में जाकर बात कर रही है पाताल करना के खिलाफ। अच्छा अभी एक बात है, अगर प्रदुत का दीदी टिकट मिला गया, कब से वो बीजेपी हुआ, कहां बीजेपी ज्वाइन किया, कहां पे प्रूफ है बीजेपी ज्वाइन किया ना, कहां पे प्रूफ है अलायंस हुआ, जो अलायंस एग्रीमेंट कहां पे हुआ, कैसे बीजेपी टिकट मिला। छत्तीसगढ़ का एक कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट इस त्रिपुरा का इसका बाद में जब मैं उठाती है तब पार्टी ने मुझे सुकोस दिया। सुकोस में मैंने जवाब तुरंत दिया, जब पार्टी एक्टिविटीज में ऑपोजिशन पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी मेरा खिलाफ में जितना भी अटैक किया, तो पार्टी चुप है, पार्टी प्रेसिडेंट चुप है, स्टेट पार्टी कमिटी चुप है, सब चुप है। और एज ए मेन ऑपोजिशन पार्टी प्रदुत ने मेरा खिलाफ में जितना भी अटैक किया, बार बार गाड़ी में अटैक किया, बार बार रास्ते में अटैक किया, जितना बार गाड़ी टूटा हुआ इतना बार कोई कुछ बोलने वाला चुप है। लेकिन जब प्रदुत का खिलाफ में मैं एक बार कहा तो पार्टी मुझे सुकस दिया। तब मुझे पूछा पार्टी का आइडियोलॉजी को रक्षा करना है ना वोट बैंक वाला पार्टी व्यक्ति को रक्षा करना है, पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है। इसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू शुरू किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का बीजेपी त्रिपुरा जो है, पता नहीं ये सेंट्रल का गाइडलाइन से हो रहा है ना अपना बीजेपी त्रिपुरा फेस से हो रहा है, मुझे पता नहीं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में मुझे कोई कैंपेन में ना ऑनिस वेस है ना इसे कोई कैंपेन में मुझे नाम नहीं डाला, मुझे जाने नहीं दिया कैंपेन में, एक कैंपेन में भी मेरा नाम नहीं डाला, मेरा पूरा टीम को नाम नहीं डाला। और जो नाम नहीं डालता है वो जा नहीं पाता है, वो पार्टी का रूल एंड ऑर्डर है। तो ऐसा क्या पार्टी है, क्या मैं बीजेपी में ज्वाइन किया गुलाम करने के लिए किया, मैं देश को और जाति को आगे बढ़ने के लिए मैं भी एक नेतृत्व देने के लिए आया, वहां पे गुलाम करने के लिए नहीं आया। तो ये पॉलिटिकल गुलामी का काम मुझे क्यों करा रही है, इसलिए मैंने कंप्लेन किया था, बार बार सेंट्रल में आकर मैंने कंप्लेन किया था, मांगा था, अपील किया था एक बार त्रिपुरा में आकर ये सब ताकि सोल्यूशन हो। लेकिन सेंट्रल बीजेपी भी कुछ भी नहीं दा। क्यों अभी क्वेश्चन आते हैं कि आप बीजेपी में हो या आपका डिमांड क्या है आप? देखो आज बीजेपी में हो या नहीं और आगे बढ़ती हो और भी कहीं नहीं है, तो ये सब मैंने बोलते रहा लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इदानी हमने देखा क्या देखा, सोशल मैंने मेरा पूरा टीम सब निकल जा रही है, ठीक है। बीजेपी से जगह नहीं मिलने के कारण से वो लोग बैठ गया, कोई कोई बोल रहे हैं मेरा टीम से, मैडम हम लोग फिर वापस आती हूँ, दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लो। तो मैंने तो कुछ ना कुछ, तो मेरा जो टीम आया है इतना टीम, मैं एक वन सिंगल नहीं है, पूरा सारा त्रिपुरा का टीम है, हजार हजार मेरा सपोर्टर है, सब जानते हैं आप लोग। तो ये इन लोगों को कहाँ रखेगा, बीजेपी छोड़ दिया, सबको हटा दिया और मैं बीजेपी में हूँ, मैं निकल जाऊँ कहाँ। तो इसलिए उन लोग के लिए मैंने एक कमिटी बनाया, कमिटी डिक्लेयर किया 30 सितंबर को। क्या कमिटी किया, टीपीएफ को फिर एक्टिवेट करके जो लोग यहाँ से हटाया गए इन लोग को एनजीओ का काम, पॉलिटिकल कमिटी एक एक अलग अलग करके मैंने कमिटी बनाया। क्या बनाया, अंडर द टीपीएफ, टीपीएफ तो एनजीओ है, एनजीओ रहती है, जैसे कि आरएसएस बीजेपी होने के बाद आरएसएस क्या खत्म हो जाते हैं, नहीं जाते, वो एनजीओ है, सोशल सेक्टर है। तो एनजीओ मेरा टीपीएफ को मैंने 3 सेक्टर बनाया।